गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा लग हो शायद समझ रही हो, होप एडिंग वेल। तो गाइस, आज है डे 24 मई और आज है मेरा लास्ट एग्ज़ाम आईटी का। सो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, ये मेरे स्कूल ड्रेस और ये है लस्सी। ओके एंड बस मेरे घर के 1-2 किलोमीटर ही दूर है सेंटर पड़ा है मेरा। वैसे मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में हूँ और सेंटर पड़ा है मानवेंद्र स्कूल, यहीं घर के पास पास में ही है। सो यही है। और कल का ब्लॉग बहुत सही नहीं था कल का ब्लॉग, क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। ओके एग्ज़ाम था आप समझ सकते हैं। तो बस आज आखिरी पेपर है, बस आज से कल से मतलब अच्छे अच्छे ब्लॉग आना शुरू होंगे। अपन विजिटिंग प्लेस विजिट करेंगे प्लेसेस ग्वालियर में, तो बस आपको वो दिखाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें। अपन महल दिखाएंगे आपको और बहुत सारी चीज़ें, फेमस चीज़ें ग्वालियर की। सो बस अभी मैं पेपर दे के आता हूँ 9 बजे। अभी 9 बजने में 15 मिनट हैं, सो अपन 9 बजे यहाँ से निकल लेंगे। 10 बजे के बाद एंट्री नहीं होती, तो अपन वहाँ पहुँचेंगे, दोस्त वगैरह मिलेंगे, उनसे बात करेंगे थोड़ी बहुत। 12:30 बजे पेपर ख़त्म हो जाएगा, 2 घंटे का पेपर है बस। ओके गाइस, तो बस मिलता हूँ आपको पेपर की बात नहीं, अभी तो मतलब वहाँ पहुँच के शायद थोड़ी बहुत करूँ, आपको दिखा दूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग होंगे ना, तो मैं नीचे करके मोबाइल करना पड़ेगा। तो इसलिए मिलता हूँ, प्लस ही पीता हूँ, फिर मैं जल्दी शूज़ पहनता हूँ, चलते हैं 9 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। ऐसा अभी मैं आ गया हूँ पेपर देके और हो रहे हैं 12 और अभी मैं खा रहा हूँ लंच आलू के पराठे। अभी मैं अपने आप को नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी कपड़े नहीं पहना, अभी मैं चड्डा ही पहना हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए। तो अब मिलता हूँ आपको खाने के बाद। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ मूवी देखने अपने फ्रेंड्स के साथ, आज लास्ट पेपर था ना, तो बस आज हम सब ने प्लान बनाया है मूवी देखने का, भूल भुलैया 2। सो अभी हम जा रहे हैं डीबी मॉल। ओके सो अभी बज रहे हैं 2:30। सो बस अभी अपने मेरे को एक दोस्त को लेना है आनंद नगर से, फिर उसको लेके फिर हम जाएंगे सिटी सेंटर रेलवे स्टेशन के पास। ओके तो वहाँ पे है नया मॉल, तो मिलता हूँ आपको मॉल में। अभी मैं आ चुका हूँ मॉल में और ये आइनॉक्स, और अभी मेरा दोस्त टिकट ले रहा है, तो हम लोग, मेरा एक दोस्त है वो आएगा नहीं। ओके तो ठीक है, अभी मैं टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है, ये भी हाउसफुल हो सकता है, इसलिए तो हो सकता है फिर हम 6 बजे वाली टिकट कराएं, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा लगे हमारा। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है, तो मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है ये पता नहीं। अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी एडवर्टाइज चल रहा है, बस अंदर आ चुके हैं। बहुत मुश्किल से सीट मिली है क्योंकि नीचे वाली मिल पाई, ऊपर वाली नहीं मिल पाई, पूरा हाउसफुल है। तो गाइस अभी ब्रेक है, अभी थोड़ा बहुत तगड़ी मूवी है, बहुत डरावनी मूवी है, तो अभी थोड़ा ब्रेक है, बस थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। आज मूवी देख ली है और अभी हम खाने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। सो अभी डिसाइड ऑर्डर कर दिया, अभी टाइम लगेगा आने में, और मैं बाहर आके थोड़ा शूट कर रहा हूँ क्योंकि ऑकवर्ड टाइप का लग रहा है अंदर। ओके और लेट हो गए हैं, घर पर डांट तो पड़ेगी, तो मिलता हूँ आपको घर पर। खाना नहीं खा रहा। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ मूवी सब देख के, और मुझे 9 बज गए थे आते आते, खाना पीना वगैरह बहुत टाइम लग गया, और आप नाइट में इवनिंग में बहुत रश भी रहता है, तो बहुत दिक्कत होती है आने में। ओके सो आज मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो अब बस सिर्फ कंटेंट कंटेंट अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। ओके सो बस आज का दिन बहुत अच्छा गया, मतलब 1 घंटे का पेपर था, उसके बाद क्या मज़े किए दोस्तों के साथ, और बस। सो अब मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आज का व्लॉग भी था छोटा सा, थोड़ा सा छोटा लगा होगा क्योंकि अपन पेपर भी तो दिया था अपन मॉर्निंग में, उसके बाद मूवी देखी, मूवी था 3 घंटे की थी, 2.5 घंटे की, सो बस उसमें टाइम लग गया। और मैं डालूँगा नहीं क्लिप वीडियो की, कहीं मेरे पे कॉपीराइट नहीं आ जाए, इसलिए
अगर आपको क्लिप देखनी है ना तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, हर्षित सिंह भदौरिया के नाम से, तो उस पर आपको क्लिप दिख जाएंगी मूवी की, भूल भुलैया 2। बहुत अच्छी मूवी थी, मतलब ऐसे कभी कभी सीन आया रहे हैं तो ऐसा लगता था, डर लग गया था एकदम। ओके सो बस आप देखिए, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।